आतंकियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी लड़ाई सुन रहे होंगे उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन चुन से गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें घायल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांध कर सरसों में माना चलो छोड़ दिया। अरे आप तो वो हो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली। पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने देश का नमक खाया और देश को धोखा देते रहे। और यही नहीं रुके, कल मैंने देखा कि समर शेष है नहीं पाप का व्याधि केवल पाप। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। एक जंगल गायक था, बाहर से आया जया और बात कांड करा के चला गया। हर भारतीय उसको थूकता है और दूसरी बार थूकता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जिन्होंने जाली राज टोपी वालों के समर्थन के लिए निहत्थे आशीर्वाद लेती हूँ उतना कोई नहीं लेता। और ये कहना कि मैंने स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के विषय में थूकना और ये सब शब्द का प्रयोग किया तो ये झूठ है, गलत है। और अगर ये सत्य होगा तो मुझे जो कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। पर जिन्होंने इस पूरी विधानसभा सदन में एक निर्वाचित विधायक को बदतमीज कहा, जिस महिला की दुहाई देते देते छाती पीसते पीसते छाती में तक खून आ गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मैं तो एक कविता सुना रही हूँ, सुनो कविता अच्छी वाली। मुझे क्या पता था कविता में मेरे भाई इतना बुरा मान जाएंगे। चलिए पर खैर, पुण्य जिन्हें करना था, अब देखो बुरा नहीं मानना, कविता है भाई। पुण्य जिन्हें करना था वह पाप कर रहे, जीवन के वरदान को श्राप कर रहे। सास का भी अपनी पता नहीं जिन्हें देखो वो, अब तो कुछ लिखा था पर बोलने में तो भैया डर लगता है। देखो तो दैश राम का हिसाब कर रहे। राम को ना जाने ऐसा मर ना मिला, उन्हीं राम को इन भाइयों के राज में घर ना मिला। माने कीर्ति जी, माननीय राजा महोदय, आपके माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉक्टर नीरज वोरा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया, इस हेतु मैं आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। माननीय महोदय, सामने खाली है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ बोलना आता है, बोल के सुनना नहीं आता कि सुनाने वाला क्या बोलना चाहता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी अधिष्ठाता महोदय, हंसी के साथ साथ मुझे क्षोभ आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मार के सर्दियों में डुबा दिया, वो हमें राम चरित्र का पाठ पढ़ाने आए। नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए, आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं, आप हमें नहीं बता सकते, हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे कितनी शर्म की बात। और ये तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे उन सारे सनातनियों
चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांध कर सरसों में मना चलना छोड़ दिया। अरे आप तो वो हो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली, पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। और यही नहीं रुके कल मैंने देखा मुझे इतनी अफसोस हो रहा था, इतना ज्यादा होने के बाद भी जब कल प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव आया तो आप में से कुछ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, मुझसे बड़े मेरे संस्कार राम के संस्कार ये नहीं सिखाते, परंतु वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर का हम धन्यवाद प्रस्ताव दे, तो तुमसे मांग कर रहे हैं कि तुम धन्यवाद हमको प्रस्ताव पास करो। नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का हमको राम मंदिर के लिए किसी प्रकार का कोई समस्या। आप तो वो हैं जिन्होंने चक्रव्यूह रचने का काम किया, 500 साल से लगातार चक्रव्यूह रचा कि किस तरह सनातनियों के आराध्य रामदेव का मंदिर ना बन पाए। आप वो हैं, एक वो अभिमन्यु का अधिष्ठाता महोदय जिसे बुझती काले दर्शन कौरवों ने अभिमन्यु को मारा था, और एक ये कलयुग के कौरव हैं जो आज भी लगे हुए हैं कि किस तरह सनातनियों को अभिमन्यु को समर शेष है। नहीं पाप का दादी केवल पाप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अरे एक जंगल गायक था, बाहर से आया जला वाला बाप कांड करा के चला गया, हर भारतीय को छुपता है और दूसरी बार छुपता है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जिन्होंने जाली राज टोपी वालों के समर्थन के लिए निहत्ते निजी टिकट अपनी ना करी जाए, निजी टिकट अपनी नहीं होगी। आप बैठिए, कोई निजी टिकट अपनी नहीं होगी। आप बैठिए माननीय प्रधान जी, आप बैठिए माननीय प्रधान जी, आप बैठिए, वो बोल रहे हैं, आप बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए, माननीय सदस्य,
निवेदन है, यदि कोई शब्द आपत्तिजनक लगता है और मान्य सदन यह महसूस करता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसा ना। बोलिए, पहले पूरी बात बताइए। आप चलिए वहां चल के बताइए क्या बात है, आप वहां चल के बताइए क्या बात है। बैठिए केस की, आप बैठिए, आप वहां चलिए अपनी बात बताइए, वहां चल के अपनी बात बताइए। ये बीच में नहीं सुनूंगा, बीच में ना कुछ सुना जाएगा ना कुछ लिखा जाएगा, बीच में कुछ सुना नहीं जाएगा कुछ लिखा नहीं जाएगा। आप अपनी सीट पर चलकर अपनी बात बताइए क्या बात है। चलिए जो बात है वहां चल के बोलिए, जो भी बात है वहां चल के बोलिए। चलिए संग्राम सिंह खड़े बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, थैंक यू, और पूरा देश माननीय नेताजी का सम्मान करता है। कल से आपने महामहिम राज्यपाल पर चर्चा जो की, इस तरह का कभी तनावपूर्ण माहौल नहीं रहता, ऐसा प्रदर्शित करती है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कि जैसे हम प्रोफेसर राम जी के विरोधी हैं। आप जानते हैं अपना देश न्यायालयों से चलता है, सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया माननीय, और माननीय नेता जी ने भी एकता परिषद में कहा था कि दोनों पक्ष या तो आपस के सहमत से फैसला कर लें या तो भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, हम उसको मानेंगे। माननीय आपस में सहमति नहीं हो पाई, सबने जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया माननीय, तो किसी राजनीतिक दल ने उस पर टिप्पणी नहीं किया। देश के अंदर सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी अपनी तरह से स्वागत किया। माननीय अभी एक बोल रहे थे गोरखपुर के, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दादा ने कहा से इतनी उत्तेजना होती है वरिष्ठ में, कौन से मंत्री? माननीय ब्रजेश पाठक जी और श्रीमती केतकी सिंह जी हैं, बलिया से निर्वाचित होके आई। मनोहर बात थोड़ी मेरी दो मिनट हो जाए। मनोहर, हम सब यहां चर्चा के लिए आए हैं, जो माननीय सदस्य नहीं है आप दुनिया में, प्रयास करते हैं कि उन पर टिप्पणी ना हो, लेकिन अगर आज की कार्रवाई उठा ली जाए मनोहर, तो कई बार माननीय नेताजी को कोट कर करके इस तरह की बातें सदन में आई। हमारे नौजवान सदस्य अतुल जी जज्बात है, हम सबका भी नेताजी से, आपका भी माननीय बहुत लगाव है, और जब नेताजी नहीं रहे दुनिया में माननीय, पूरे देश में जिस तरह का उनका सम्मान हुआ, हर राजनीतिक दल की सीमाएं टूट गई। मनोहर, भारत सरकार ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मान दिया। अरे आप उन पर
उंगली उठा देने से बड़ा नेता नहीं हो जाएंगे। सम्मान करना सीखे। मैं बीच में प्लीज आप सम्मान करेंगे तो मैंने नहीं बोलने दिया। देखिए बैठे के की कोई आवाज से नहीं सुनाई। नहीं देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दुकान कर दूंगा प्लीज। नहीं मैं आप बैठे मैं दिखवाता हूँ। आप बैठे मैं दिखवाता हूँ। ये फूकने की बात नहीं। मैं दिखवा रहा हूँ कि भी सुनूंगा आपकी भी सुनूंगा। ऐसे नहीं सुनूंगा आपकी भी सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा लेकिन ये तरीका नहीं है। आपकी भी सुनूंगा। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो आपकी भी सुनूंगा लेकिन ये तरीका नहीं है। आपकी भी सुनूंगा। मैं ये नहीं कह रहा अगर उन्होंने गलत कहा होगा तो उनको कहा जाएगा। आपने गलत कहा होगा तो उसको देखा जाएगा। माननीय सब लोगों को बराबर का अधिकार है। अगर उन्होंने गलत कहा तो उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य के बयान से हम सब बेहद आहत हैं। इतने बड़े नेता पे थूकने की बात करती है क्या कह रहे हम दिखवा। अरे कोई बचा नहीं आपकी मिला क्या। अरे क्या आप क्या यहाँ बोल रही है। आपका संरक्षण चाहते हैं हम सब बहुत आहत है। और इस तरह की बातें कतई शोभा नहीं देती। और भारतीय इस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय नेता जी के तक कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमारे सदस्य अतुल जी पहले मैंने बोल दिया जो कार्रवाई बता रहे मुझे विषय पर बताइए। नहीं। ये कह चुकी है कि अगर कोई भी ऐसा कोई गलत उसमें वाक्य होगा या शब्द होगा उसको कार्रवाई से निकलवा देंगे। और एक मैं व्यक्तिगत रूप से संग्राम जी जानते हैं। मैं नेताजी का बेहद ही सम्मान करता हूँ। और अगर कोई भी ऐसा शब्द होगा वो निश्चित तौर पर निकल जाएगा। पीठ से पहले ही इसका भी हाथ जी हमारी आपने बोलने का अवसर दिया है। माधवदेव जी हम लोग भी बोलते हैं कई बार उत्तेजना में लोग आते हैं लेकिन हमने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कभी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। और जो नेता इस समय हमारे बीच में नहीं जिनका सम्मान हम नहीं बल्कि पूरे देश के लोग करते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कितनी बार भाषण में माननीय नेताजी का सम्मान किया। इसी सरकार ने ऐसा सम्मान दिया जिसको पूरे देश ने देखा। लेकिन आज हालांकि कई लोग बोलते हैं तो भगवान राम के ऊपर आपका पक्ष है हम लोग भी अपना पक्ष रखते हैं लेकिन जब ये शब्द बोला गया आप कार्रवाई दिखा लीजिएगा कि हम थूकते हैं उनके ऊपर। तो ये जो शब्द है ये थूकने वाला शब्द पहले संसदीय है ही नहीं। और लेकिन आप इतनी उत्तेजना में आ जाओगे कि थूकने की बात नेता के ऊपर करोगे तो आपके सामने वाला तो उस बात को सहन नहीं करेगा। तो माने अभी हमारा एक निवेदन आपसे है कि जब माने भगवान जब कोई भी सदस्य भगवान की चर्चा करे भगवान की बात करे तो आप अपनी बात कहिए। मान लिया गोली चलने की बात करते हैं तो अभी नितेंद्र मिश्रा जी जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे क्या प्रधानमंत्री विषय है उसके ऊपर डिपेंड अगर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सबने उसको हम अपने तरफ से अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं ये अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं। तो बीच में नेता के लिए अपशब्द बोलना कौन सी बात है। आपकी आप लोग भी जगह जगह कोई कर रहे थे वो तमाम चीजें होती हैं। हम लोग सरकार के लिए बोलते हैं लेकिन कभी मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं आप अपशब्द बोलते सदस्य ने बोला हो और इन माने सदस्य बोल रहे थे भी किसी ने बदतमीज कहा आप कार्रवाई में दिखवा लीजिए अगर किसी ने बदतमीज कहा। और ये लगातार कि उनको गोली मारी सदियों में डुबोया उनके पेट में कट्टा बांधा इन लोगों ने उन्हें सदियों में डुबवाया तो किसने डुबवाया भाई। अभी तो आपने ये बात भी बोल दी हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर थूकने की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी व्यक्ति वर्गी साहब इस सीट के लिए नहीं करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है वो उसके लिए माफी भी मांगे खेद व्यक्त करें और साथ साथ पूरा सदन इस बात से कम से कम जो पक्ष विपक्ष के जितने लोग बैठे नेताजी का अपमान कोई सहन नहीं करे। आप सुनता हूँ ऐसी बात नहीं डिबेट नहीं होनी चाहिए सीनियर मेंबर है मैं मना नहीं कर सकता था। आपके संरक्षण में ये विधानसभा बहुत अच्छी चली है। शुरू से
ये सभी लोग चूट के आते हैं जनता से। नहीं जो गलत है वो गलत है, मैं उसको संरक्षण तो नहीं दे रहा। जिस तरह से हमारी माननीय आपके विधायक जी हैं उन्होंने जिस तरह से बातें कहा, ये थूकने वाली बात, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात, इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, कोई नहीं, ये सत्य है। उसको ये दल को उसी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर राजनीति करना है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आप विधान के राज्य दिए, पर हम ये कहना चाहते हैं इच्छा सब किया है, जो कि कई बार मुख्यमंत्री रहे माननीय नेताजी और रक्षा मंत्री रहे, आज तक जिस तरह उन्होंने सदन चलाया है कोई कहानी का अधिकार नहीं है किसी को, मगर आज इस तरह का शब्द आज विधानसभा में उठा, नहीं गलत है, ये गलत है, इनको माफी, इनको माफी मांगना चाहिए। ये नहीं है कि हम माफी मांगे, नेताजी का सम्मान करते हैं और इन्होंने इस तरह से बात कर दिया, ठीक, ये नहीं होना चाहिए। माफी और शब्द को निकालने का काम करें। एक सेकंड, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है, आपको पूरी बात कहने का अधिकार था। जिस शब्द के ऊपर आपने आपत्ति करी है मुझे भी आपत्ति है, ठीक है, तो अब मैं उस सदस्य से पूछूंगा कि उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा। अरे मेरी बात सुनिए, अरे वो फिर वो भी दिखाऊंगा ना, वो भी दिखाऊंगा, वो तो मैंने पहले बैठ के ही बोल दिया बिना किसी के कहे हुए कार्रवाई दिखाए। एक सेकेंड, एक या तो आप डिसाइड कर लो, या आपने डिसाइड करना है, या चाहते हो कि अच्छी तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चले तो अच्छी बात है। एक सेकेंड, जो आपने अपनी पक्षपात कही, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वो निंदनीय है, खराब है, मैं उसकी नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, फिर कार्रवाई देखूंगा, फिर उसके बाद ही कोई निर्णय दूंगा। बताइए बताइए, आपने ये शब्द कहा, आराम से बताइए। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं समस्त सदन को प्रणाम करती हूँ और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बहुत गौरव के साथ और गर्व के साथ, कि मैं एक हिंदू धर्म को मानने वाली संस्कारी घर की बेटी, घर की बेटी और बहू, और मुझे पता है आज भी पूरे सदन के सुनो भी, कोई आगे बात करो। अगर मुझे इनके जवाब, एक मेरी बात सुनिए फिर, अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से बात हो तो अच्छी तरीके से होने दीजिए। बिल्कुल अदेश जी, पूरा सदन जानता है कि जितने बड़ों का पैर छूकर मैं सुबह से आशीर्वाद लेती हूँ उतना कोई नहीं लेता, और ये कहना कि मैंने स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के विषय में थूकना और ये सब शब्द का प्रयोग किया तो ये झूठ है, गलत है, और अगर ये सत्य होगा तो मुझे जो आप कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर वो जो बात कह रही है आपको मुझे संतुष्ट नहीं है तो आप खड़े होकर कह सकते हो, ठीक है, एक बात, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, मैंने तो नहीं कहा और ये कार्रवाई में भी निकल जाएगा, पर जिन्होंने इस पूरी विधानसभा सदन में एक निर्वाचित विधायक को बदतमीज कहा, जिस महिला की दुहाई देते देते छाती पीटते पीटते बदतमीज कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इस सदन में। अगर किसी ने ये इनको किसी भी महिला को इंगित करके बदतमीज कहा तो वो भी गलत है। एक मिनट, आप लोग जो जो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि आपने ये कहा लिखवा दीजिए, तो मैंने आपके, मैं जब आया हूं आने के बाद पहले बैठने के बाद मैंने ये शब्द कहा कि मैं कार्रवाई नहीं करता हूं, या आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, फिर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो मतलब उसकी तो बात अलग है। मैंने सबको अवसर दिया, पहले संग्राम सिंह जी ने कहा, माननीय अतुल जी ने कहा, माननीय दुर्गा जी ने कहा, मैंने सबकी सुनी, उनकी भी सुन ली थी, उन्होंने जो बात कही है कि मैंने ये शब्द नहीं कहा, अगर उन्होंने कहा कि मैंने कहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगी, ये कहा आपने,
ठीक है, उन्होंने कहा होगा कार्रवाई में नहीं हुआ तो माफी मांगी, कार्रवाई से बैठेगा। लेकिन अगर इस तरफ से किसी भी सदस्य ने किसी महिला को लेकर कोई आपत्ति करी है तो उसको भी माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी कार्रवाई से निकालेगी। मैं दोनों कार्रवाई दिखा के मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लेता हूं, मैं आगे उसको व्यवस्था करूँ। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद, आगे चलिए। नेक्स्ट कौन बोलना था? बोलिए। मेरा ये सबसे निवेदन है, उन्होंने कहा तो उनको भी कहा जाएगा, ये नहीं उनको भी कहा जाएगा, उनको भी माफी में। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है, प्लीज हम सब लोग एक आस्थावान समाज के लोग हैं, हमारी भारतीय संस्कृति पुराणों के ऊपर धार्मिक विषयों के ऊपर विषय, लेकिन हमारा किसी भी हम धर्म को मानने वाले हो, सनातन में अपनी बात का गौरव व्यक्त करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो ये सब लोग समझे, इधर में बैठे हुए हमारे सदस्य समझे, आप खुद गुणगान करें जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, आपको इस बात का अधिकार है। लेकिन इसी सनातन में यह नहीं बताया गया कि किसी के प्रति कोई नेगेटिव बोलना है, तो ना किसी धर्म में बताया। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी बात प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से, सुंदर, यहां इतने सुंदर अलंकरण और इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ पिछले दो तीन चार दिनों में अपने अपने आराध्य के लिए, कि ये मैसेज है। अभी मैं वर्मा जी को बोल रहा था, मेरी बात सुनी, मैं पूरी विधानसभा की बात बोल रहा हूं, मैं अभी वर्मा जी को बोल रहा था, वर्मा जी मैंने अभी आपको बोला कि जो डिबेट्स यहां पर होती है, मैंने वर्मा जी को कहा मैंने आपको 10 मिनट से ज्यादा समय इसलिए दिया उस विषय को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि आपकी जो डिबेट है पूरा प्रदेश और पूरा देश देखता है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बढ़िया अच्छी डिबेट्स होती है। वर्मा जी मैंने आपको कहा कि नहीं, कहा यहां पर आने के पहले कहा आपको, तो ये उस टाइप की डिबेट्स ही है ना, ये नहीं चाहिए जो निवेदन है। अब उसके ऊपर मैं बोलेगा, मैंने व्यवस्था दे दी उसमें जो भी है जिसके भी है, मैं उसको कार्रवाई को दिखाऊंगा और मैं उसकी व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं। मैं इस विषय नहीं बोलूंगा। माननीय, एक मेरा निवेदन है कि जैसे आप इस पद पर हैं तो पद के पालन के लिए, अपने दायित्व का पालन के लिए बहुत से आपको निर्णय लेना पड़ता है। उसी तरह से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत से ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो उनकी अंतरात्मा के विपरीत रहता होगा। निश्चित रूप से जो निर्णय लिए गए होंगे तत्कालीन समय, उस तत्कालीन उसके ऊपर विषय नहीं आई प्लीज, वो अपने आप में देखिए उसके ऊपर वो अपने आप में जो भी चैप्टर था अगर उसको आप उखाड़ेंगे तो उसमें से काफी कुछ अच्छा खराब दोनों निकले। प्लीज बैठे, विश्व निकलेगा सरकार है, अगर गलत निर्णय होता तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से बहुत पुरानी। देखिए इन इशू के ऊपर डिबेट, हाँ पास, मेरा सबसे रिक्वेस्ट आप खूब बात कहिए। माननीय अध्यक्ष जी अभी दो मिनट बाकी है, दो मिनट बाकी, अरे सुनो, अरे दो मिनट बाकी हूं तो मैं बाद में आया, दो मिनट बोलना और ऐसा बोलना कि सब खुश हो गए। चलिए मैं तो एक कविता सुना रही, सुनो कविता अच्छी वाली। मुझे क्या पता था कविता कविता में मेरे भाई इतना बुरा मान जाएंगे। चलिए पुण्य जिन्हें करना था, अब देखो बुरा नहीं मानना, कविता है भाई। पुण्य जिन्हें करना था वह पाप कर रहे, जीवन के वरदान को श्राप कर रहे, सास का भी अपनी पता नहीं जिन्हें देखो वो। अब तो कुछ लिखा था पर बोलने में तो भैया डर लगता है, देखो तो डैश राम का हिसाब कर रहे, राम को न जाने ऐसा मर ना मिला, उन्हीं राम को इन भाइयों के राज में घर ना मिला। अरे राम सिया दूजा कोई युक्ति नहीं है, तुम लोग मोक्ष भी पाना है ना भैया, तो राम नाम सत्य बिना से मुक्ति।